जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने, नवरात्रि तथा रमजान पर्वों को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने आज संयुक्त रूप से विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। अपने भ्रमण के दौरान कस्बा बड़ा गाँव पहुँचे दोनों अधिकारियों ने लगभग एक दर्जन परीक्षा केंद्रों पर छापे भी मारे। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन तथा शुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए भ्रमण किया जा रहा है। निरीक्षण में बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी है। नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। मौरानीपुर मोहल्ला पुरानी मऊ स्थित बड़ी माता मंदिर व अम्बे माता मंदिर में प्रथम दिन से ही महिलाएं व पुरुष जल अर्पित करने को पहुंच रहे हैं। पुरानी मऊ में मंदिर प्रांगण में भारी विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पास बिजली सफाई व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है तथा शांति व्यवस्था के लिए कोतवाली से पुलिस की तैनाती की जाती है, जिसमें किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। इस मौके पर शिवगंज चौकी प्रभारी संजना सिंह, उप निरीक्षक श्याम साहू, कांस्टेबल गोपाल आदि लोग तैनात रहे। तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले थाना एरच के मूल निवासी ग्राम बिलारी राजेंद्र नगर गरौठा से कल दिनांक 1 अप्रैल 2022 को रात्रि करीब 2 बजे से वीरू रायकवार पुत्र मोहन सिंह रायकवार अपने घर से बिना बताए गायब है, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन की। लोगों द्वारा सूचना मिली कि ग्राम स्किल के समीप खेतों में पेड़ से एक युवक की लाश लटकी हुई है। इसको देखने परिजन पहुंचे तो खबरों के मुताबिक वह लाश किसी और की नहीं वीरू रायकवार की थी। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह यादव द्वारा मृतक वीरू के शव को पेड़ से नीचे उतार कर शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम स्यावरी पृथ्वीपुर निवासी राजू साहू पुत्र अच्छे लाल ने मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि आज सुबह किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। मेरी वृद्ध माँ घर पर अकेली थी, उसी समय घर पर गांव के दो लोग आए और मेरी माँ के साथ गाली गलौज करने लगे। जब माँ ने गालियाँ देने से मना किया तो उनकी जमकर मारपीट कर दी। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने घटना की जानकारी तुरंत डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त लोगों की काफी तलाश की पर वह लोग नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने मौरानीपुर कोतवाली में आकर शिकायती प्रार्थना पत्र देने को कहा। जैसे ही मैं मौरानीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने के लिए गांव से निकला तो वह दोनों लोग रास्ते में मेरा इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने मुझे रोक कर गाली गलौज करते हुए हमला कर मेरे पेट पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से जांच कर चिकित्सीय परीक्षण कराकर उक्त दोनों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जिसे देखकर हर कोई उनकी मासूमियत का शिकार हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये मासूमियत आपके लिए ही मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही एक वीडियो हमारे सामने आया है, जहां पर यह दो गंदे से कपड़ों में दिखने वाले मासूम बच्चे अस्पताल में अपने हाथ की सफाई दिखा रहे हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, कुर्ता पजामा पहने ये पेशेवर काउंटर पर बिल पे कर रहे थे। इसी वक्त ये बच्चे बखूबी से अपने हाथ का हुनर दिखाते हुए बिना पकड़ में आए लगभग 5000 रुपए की नकदी उड़ाकर गायब हो गए। इसके बाद काउंटर पर खड़े युवक ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कराई तो उनके होश उड़ गए। युवक ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी है। कोच नगर के गोखले नगर स्थित एक खेत में समय करीब 3 बजे लगभग अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के खेत में आग लग गई, जिससे खेत में लगा गन्ना पूरी तरह से स्वाहा हो गया। आग की सूचना खेत मालिक हरिमोहन तिवारी ने फायर ब्रिगेड को दे दी, जिसमें खेत में पार्टनर मठोरे आदि ने अपने अपने हाथों में बाल्टी लेकर ट्यूबवेल सहयोग से आग बुझाने लगे। तभी काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जब तक खेत में लगा गन्ना पूरी तरह से
जल चुका था। खेत मालिक हरिमोहन तिवारी का कहना है कि लगभग 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस चोरी की घटना को देर रात अंजाम दिया गया। जब टैंक पर काम करने वाले सभी लोग सो गए थे तो कोच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जयप्रकाश निवासी अमन यादव पुत्र बादाम सिंह ने बताया कि वह कोच में पंचारण चौराहे पर हमारा पेट्रोल टैंक पर काम करता है। रात में वह यहां पर ड्यूटी करने आया था, तभी शुक्रवार की रात 1:10 पर अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चोरी हुई गाड़ी हीरो आई स्मार्ट सिल्वर लाल रंग की है।